नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। शिवहर से आरजेडी के विधायक और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, इस कोरोना काल में उन्होंने लोगों की सेवा करने का ठान लिया है। और आपको बता दें, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिन तक, जब तक कोरोना है, मेरा एमएलए का वेतन शिवहर की जनता की दवाई, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि में सुपुर्द करता हूँ। और तब तक मैं माँ लवली आनंद जी के दिए पॉकेट खर्च से ही काम चला लूँगा। जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर की जनता। तो शिवहर विधानसभा क्षेत्र से चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं और उन्होंने शिवहर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है, जब तक कोरोना महामारी बिहार में है, तब तक वे अपने एमएलए का जो वेतन है वे जनता को समर्पित कर रहे हैं। उनके दवाई और खर्च में उन्होंने समर्पित कर दिया है, ये बड़ा ऐलान किया है। फेसबुक लाइव आकर उन्होंने ये सारी बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद, सुनिए। जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी को पता है कि मतलब जिस तरीके से सेकेंड वेव आया और क्या हुआ और क्या नहीं, हाँ अभी भी हम लोग उसकी मार झेल रहे हैं। हमारे घर में भी आपको पता है कि अभी कोरोना का प्रकोप छा गया था। ड्राइवर, गार्ड, यहाँ तक कि दादी माँ, अन्य लोगों को भी, परिवार में भी, चाचा, सभी लोगों को, मौसी लोगों को भी कोरोना हो गया था। और उससे हम लोग लगभग अब उभर चुके हैं। हाँ, लगभग सब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हमको भी बीच में तबीयत ख़राब हुआ था, स्वाभाविक भी है। जब आपके ही ड्राइवर और आपके ही गार्ड को कोरोना हो जाए तो आपका भी तबीयत बिगड़ना लाजमी है। और उसमें बीच में हमको जो है चेस्ट कंजेशन, चेस्ट पेन, थोड़ा सा जो है ज़ुकाम, सर्दी, ये सब सिम्टम दिखाई दिए। हम अपने आप को थोड़ा क्वारंटाइन भी कर लिए थे। हालांकि अभी से एक हफ्ते पहले जो है हमारा क्या कहते हैं टेस्ट आ गया है और टेस्ट नेगेटिव निकला है, तो वो अच्छी बात है। और हम लोग लगभग अब जो है इस सब से उभर चुके हैं। ड्राइवर का जो है अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। और हम मानते हैं कि वो जैसे ही हमारे ड्राइवर लोग भी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और सारे गार्ड लोग वापस आ जाएंगे, लॉकडाउन के वजह से सब लोग अपने यहाँ से आ नहीं पाए हैं, कुछ कुछ मजबूरियाँ भी हैं लोगों की, तो जैसे ही वो सब हो जाता है तो हमारा सिस्टम जो है वो वापस दुरुस्त हो जाएगा। पूरा सिस्टम बिगड़ गया था। कुक को भी कोरोना हो गया था, सबको, मतलब स्टाफ में तो हर एक को कोरोना हो गया था। अभी जा कर के लोगों को जो है थोड़ी बहुत राहत मिली है। लोग अब स्वस्थ हुए हैं। हमारे जितने स्टाफ लोग थे वो लोग भी स्वस्थ हो गए हैं, हम लोग भी बेटर फील कर रहे हैं। खास करके मैंने आज ये जो लाइव शुरू किया है वो इसीलिए शुरू किया है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो पैंडेमिक हुआ है उसमें दवाई और ये सब की बहुत ज़रूरतें हैं। हाँ, अभी भी जो है लोगों को दवाई कहीं कहीं पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कल हम लोग बैठे भी थे, सब दवाई मतलब का लिस्ट बना भी था। मेरे दोस्त जो एम्स में है उनसे हमारी बात हुई थी, हमारे डॉक्टर दोस्त से, तो उन्होंने कुछ कुछ लिस्ट बताया है, कुछ काट छांट किया गया। हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट दवाई है, जो जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन और बहुत सारे ऐसी बातें होते हैं जो मतलब हम लोग चाहेंगे कि जो रूल रेगुलेशन है उसमें रह कर कहीं हो, तो उसी सबको के लिए हम लोगों ने पूरा जो है लिस्ट बना लिया है। आज से पैकिंग शुरू हो जाएगी दवाइयों की, और कल और परसों से जो है पूरे क्षेत्र में, शिवहर क्षेत्र में जो है दवाई बांटने का भी काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हम लोगों ने ये फैसला लिया है, श्रीमती लवली आनंद जी जो हमारी मदर हैं उन्होंने, हमने, कि हमारा जो एमएलए का वेतन है जो आने वाला समय है, ये जो मतलब हम लोगों को मिलेगा वो पूरा वेतन जो है हम लोग दवाई और मास्क, सैनिटाइजर, इस सब के खर्चे में जो है पूरा वेतन हम सुपुर्द करते हैं, शिवहर को सुपुर्द करते हैं। और हमारा तो खैर प्रिविलेज इस बात का है कि मतलब हम
इस बार के सबसे यंगेस्ट शायद होंगे विधायक। खैर वो अपनी जगह, लेकिन उसका एक प्रिविलेज ये है कि आप भी जो है हम अपने मदर और फादर से जो है पॉकेट खर्चा मांग सकते हैं, और हम ये मानते हैं कि आने वाले टाइम में हम कुछ टाइम तक पॉकेट खर्चा पे ही चलें। हाँ, और जो हमारा वेतन है वो पूरी तरीके से हम सुपुर्द करते हैं शिवहर की जनता में। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में जो भी बातें आपकी आपके थ्रू आई हैं, लगातार हमको फ़ोन आता था, लगातार कुछ कुछ समस्याएं हो रही थी जो जो कि मेरे संदर्भ में पहुंचाई गई, उस सब के लिए हम लगातार डीएम से, सीएस से, एसपी से, सभी लोग से कांटेक्ट में थे। शुक्र है भगवान का कि मतलब शिवहर में जिस तरीके से अभी मतलब उतना ज़्यादा, अगर सीतामढ़ी से आप कंपेयर कीजिएगा, मुजफ्फरपुर से कंपेयर कीजिएगा, अन्य जगह से कंपेयर कीजिएगा, तो शिवहर काफ़ी ठीक ठाक रहा। हाँ, उधर जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ा। वेंटिलेटर की बात हो रही थी तो वेंटिलेटर के लिए उस दिन हमारी प्रभारी मंत्री सुभाष सिंह जी से भी बात हुई थी, लगातार हम लोग लगे हुए थे सुनने में। कल परसों ही बात हुई थी सुभाष सिंह जी से, उन्होंने बताया था कि मतलब वेंटिलेटर के लिए उन्होंने मंगल पांडे जी से भी बात करने का अपने तरफ से वो किया था। हाँ, और अब जो है उसका समस्या भी दूर हो रहा है, वो अच्छी बात है। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि परदेसिया गांव, जैसे हमें पता चला कि उधर संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो डीएम से कह करके और सारा व्यवस्था उधर हुआ और सैनिटाइजेशन भी हुआ, अन्य जगह भी जो हॉटस्पॉट थे उधर सैनिटाइजेशन कराया गया। सब कुछ मतलब लगभग ठीक चल रहा है। बस यही है कि मतलब कोई अगर ऐसी बात हो जो हमारे लायक हो, हाँ, जो हमारे कहने से या फिर कहीं बोलने से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो हम तक ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या किसी भी गांव में कभी हो तो हम अपने क्षेत्र के लोगों को कहते हैं कि डायरेक्टली आपके पास, सबके पास मेरा नंबर है, हाँ, डायरेक्टली बताएं कि क्या समस्या है क्या नहीं। हाँ, उसके ऊपर हम लोग जिस तरीके से डीएम, सीएस, अन्य लोगों से कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, सबसे बना के रखेंगे। और कहीं कोई अगर त्रुटि हो, कहीं अगर कोई मतलब ऐसी बात हो जो कंप्लेन वाली बात हो, तो वो भी बताएं, वो भी हम लोग जो है जगह पे सूचित करेंगे। अब हम ये कहना चाहेंगे, देखिए आज क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही था, हाँ, सुबह से ही हम लोग इसके ऊपर राय विचार कर रहे थे। बीच में जो है जिस तरीके से हमारी दादी माँ और अन्य लोगों का तबीयत ख़राब हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गए थे। एक हफ्ते से भगवान की दुआ है कि सब लोग ठीक हैं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो आपके बीच में कहना था, वही यही था कि हम अपना जो है पूरा का पूरा वेतन शिवहर वासियों को, शिवहर की जनता को सुपुर्द करते हैं, और आने वाले 2 महीने या फिर जितने भी टाइम तक, हाँ, 1 महीना 2 महीना जो भी लगे, जब तक ये मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं ख़त्म होती है, तब तक हम अपना काम, गुजर बसर, सब कुछ जो है, चाहे वो आनंद मोहन जी से पॉकेट मनी मांग करके, हमारे पिता से पॉकेट मनी मांग करके, या फिर अपनी माता श्री से पॉकेट मनी मांग करके हम गुजर बसर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।